हमारा मुकदमा कोई मालियात से मामलात का नहीं, हमारा मुकदमा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, दीन की वायलेशन है। रात को मैंने एक ट्वीट किया है, उसको ज़रा देख लें। जनरल हमीद गुल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल, ये उस वक्त कह रहा था, अब तो पीक पे है। वो इस दुनिया से चलने से पहले इंटरव्यू दे रहा है कि अफवाज के अंदर जो कारी बेड़े हैं, कौन सी कारी बेड़े हैं? मेजर जनरल फैसल, ब्रिगेडियर फहीम, एफआईए कायाज और कई उनके अहलकार, ये वो काली बेड़े हैं जो इससे बालातर हैं, इससे बालातर हैं। ए मेरे मुल्क के पाकिस्तानियों, मेरी बेटियों और बहनों, मुझे मालूम है कि तुम्हारा हर घर हर खानदान इस वक्त सुलग रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने खानदान की तरफ से, अपनी तरफ से। लेकिन जब तक पार्लियामेंट बेसूद हो चुकी है, रात को एक आईएसआई के एक मेरे रिटायर रिश्तेदार थे, आंखों में आंसू लेके मेरे घर पे आए और कहने लगा कि आजम स्वाती साहब, ये 1000 आदमी नहीं है, मैक्सिमम 200। और आज देख लें कि हमारी बहादुर अफवाज को 6 से 7 लाख, उनकी इज्जत और तौकीर पूरी दुनिया के अंदर उसका क्या हशर हो रहा है, यही लोग कर रहे हैं, तकरीबन 200 के करीब। इसलिए अगर ये मुकदमा तारीख रबत नहीं करेगा, ये देख लें कैसी हस्तियां यहां पे खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे तकरीबन इस वक्त 1000 से ज्यादा वकला जगह जगह से पहुंच चुके हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, तंजीमें हैं। अब यहां से हम वहां जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि आप इमरान खान को कोई सहूलत दो, वो ये नहीं कह रहे कि आजम स्वाती के साथ कोई फेवर करो, वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी सहाफत का सबसे बड़ा नाम अरशद शरीफ के खानदान को किसी तरह से कोई रियायत दो। एक बात कर रहे हैं कि इंसाफ के दरवाजे खोलो, इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए जनरल हमीद गुल के अल्फाज को अकीदत का सलाम पेश करता हूं, और सही कहा था उसने, जब तक आर्म फोर्सेस की ये काली भेड़ें, इनका काम नेशनल सिक्योरिटी से कोई नहीं है, जिसके लिए हम उनको तनख्वाह देते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम बहादुरी के तमगे लगाते हैं उनकी मोटी छातियों पे, उनका काम यह है कि लोगों को बेलबास करें, उनका काम यह है कि सही या गलत उनकी फाइलें बनाएं, उनका काम यह है कि 25 से 30 सेनेटर को खरीदें, उनका काम यह है कि 100 के करीब आप नेशनल असेंबली को खरीदें, ताकि सारी कुवतें उनके अंडर हों, और ये हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि 5 दफ़ा में सेनेटर बना, लेकर खुदा का फजल है आईएसआई का कोई रोल खुदा के फजल से नहीं था। इसलिए उन्होंने पूरी मेरी बहनों और बेटियों और माओं के दरवाजे पे अपने बूटों से लात मारकर ये वीडियो बनाई। मेरे मुल्क की बहनों, यहां पर और बैरूनी मुल्क के अंदर, इनको जब तक कानून के कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे, ये आदमी इंशाल्लाह ताला आखिरी सांस तक इनके साथ लड़ेगा। देख लें एक सेनेटर आम आदमी क्या करेगा,
पूछ लो अपने आप से, तुम वारिस हो इस मुल्क के, सहाफी बरादरी, समाजी कारकुन, आजाद इंसाफ के अलमबरदार, आप इस मुल्क के वारिस हो। ये मुस्तकबिल आपके बच्चों का है, ये 200 बदमाशों का नहीं। इसलिए जरूरी है कि आवाज उठाना जिहाद है, और इस जिहाद के लिए जो कुछ भी आप करोगे अल्लाह ताला अपने हुजूर उसको कबूल करेगा। लेकिन आवाज बुलंद नहीं करनी तो यकीन करो मर मिटोगे। और इसी तरह जिस तरह इन्होंने पूरी कौम और पूरी कौम के इदारों को आगे लगाया है, देख लें FIA क्या है, पुलिस क्या है, IB क्या है, सारे इनके स्टूज हैं। इसलिए कि इनके पास जायज़ और नाजायज़ वीडियो हैं, फाइलें हैं, इंसानी इकदार को, ह्यूमन राइट्स को इन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया, और सारी दुनिया देख रही है। या अल्लाह, 22 करोड़ का ये मुल्क, इतना बड़ा सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर 200 काली भेड़ें, इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस का, उनकी तबाही का बायस ये बन रही हैं। लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है, और अल्लाह वो न करे इसलिए कि ये एजेंडा ये मसाद का और राह का हो सकता है, लेकिन ह्यूमन राइट के जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, वकला खड़े हैं, दानश्वर खड़े हैं, सारी तंजीमें ह्यूमन राइट की खड़ी हैं, ये उनका एजेंडा नहीं। उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान आर्मी अगर वो नीचे जाएगी तो मुल्क इराक की तरह ख़त्म हो जाएगा, लीबिया की तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन काली भेड़ों को निशानदेही के साथ इनकी ताकत को ख़त्म करना है, इनकी बदमाशी को ख़त्म करना है, तब पाकिस्तान जो है एक फलाही, इंसानी और एक अच्छा मुल्क जो है, अच्छी रियासत बनेगी। जब रियासत के ऊपर 200 आदमी हावी हो जाए, इसके अंदर देख ले, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, धज्जियाँ, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सहाफ़ी हजरात, ह्यूमन राइट्स के जितने भी यहाँ पे हैं, सुन रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उठ खड़े हो जाओ इनके लिए, और इन 200 आदमियों को जो काली भेड़े हैं, मैं जनरल बाजवा साहब को भी कहता हूँ कि चंद दिन हैं, वक्त ये साबित करेगा कि जाते जाते क्या कर गए। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर अयाज नामी शख्स को जो FIA का है, उसको 13 अक्टूबर की सुबह के मामलात के लिए बुला लेते तो आज ये पूरी दुनिया के अंदर ये नफरत न पैदा होती। खुदारा जाने से पहले गुजारिश है, अपील है इन सारे ह्यूमन राइट्स के लोगों की तरफ से कि इन काली भेड़ों को एक एक करके इनको अपनी सफ़ों से अलग करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गाजी इमरान खान की जान को आज भी ख़तरा है, और उन्होंने वाज़े अल्फाज में इस बात का ऐलान किया है कि मेरे ऊपर दूसरी मर्तबा भी हमला हो सकता है। और कोई आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आलम इस्लाम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक फ़र्द है इमरान खान, के जो साबिक वज़ीर आज़म भी है। उसकी जान को ख़तरा है, और कोई किसी जगह के ऊपर भी, पूरा निज़ाम इस कदर बरहना हो गया है, वो चाहे कुछ भी हो, वो अदलिया हो, वो इंतज़ामिया हो, वो मुकन्नना हो, वो हमारी फ़ौज हो, बिल्कुल बरहना हो चुका है। इमरान खान, उसका हक है कि FIR जो वो कटवाना चाहता है, जिनके ऊपर कटवाना चाहता है, वो FIR दर्ज की जाए। और आज 2 हफ्ते से 1 दिन ऊपर हो गया है, वो FIR दर्ज नहीं हो सकी। जिस FIR के अंदर शहबाज शरीफ क्राइम मिनिस्टर शामिल है, जिस FIR के अंदर कातिल और स्मगलर और मॉडल टाउन का मैसेकर करने वाला राणा सनाउल्ला शामिल है, जिसमें जनरल फैसल शामिल है, वो FIR आज तक दर्ज नहीं हो सकी।
और तारीख इस बात को कभी भूलेगी नहीं, इसलिए कि वो अपने छलनी जिस्म के साथ आज भी आवाम के अंदर है। ये तहरीक इंसाफ है कि जो उसको महदूद करती है कि खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, आपकी हिफाजत पूरा पाकिस्तान करना चाहता है। और याद रखें वो लोग कि जो मारने के दरपे हैं, मारने वालों से वो ज़ात जो बचाती है वो बेपनाह ताकतवर है। याद रखिए इस बात को भूलना नहीं है। और दूसरा, तमाशा इस मुल्क के अंदर लगा रखा है तोशाखाना का। तोशाखाना के ऊपर कोई बात करना चाहे तो पहले जरदारी के जराइम को सामने लाए, फिर नवाज शरीफ को के जराइम को सामने लाए, फिर वो गिलानी के जराइम को सामने लाए, फिर आर्मी के जो सरबराह थे उनके जर्नलों के जराइम को सामने लाए, फिर जाके बात बनती है तोशाखाना के ऊपर बात करने की। हम तोशाखाना का मुकदमा, तोशाखाना का मुकदमा हम फेस कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन मीर इब्राहिम, याद रखो तुम्हारा बाप ये कह गया था सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में खड़े होके कि ये कारोबार कर रहा हूं। सहाफत नहीं कर रहा वो, आप सारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो सहाफत नहीं कर रहा, कारोबार कर रहा है। लेकिन मीर इब्राहिम, तुम और तुम्हारा बाप कब तक ये घनौना कारोबार जारी रखोगे? कब तक? आखिर मोहलत कितनी है तुम्हारे पास ये घनौना कारोबार जारी रखने के लिए? तुम तो इस काबिल नहीं हो कि वो जो खबर यहाँ तुमने शाया की है वो लंदन में भी शाया करे, इसलिए कि तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में तो यहाँ जो मैं कह चुका हूँ कि एक्सपोज हो गया सारा सिस्टम, यहाँ पे तो उनकी गिरफ्त है लेकिन लंदन में तो नहीं है। और ये क्यों किया गया है? सिर्फ इसलिए कि क्राइम मिनिस्टर को डेली मेल की खबर के ऊपर, यानी आप अंदाज़ा करें, आप 15 लाख पाउंड जो सैलाब जदगान के लिए थे वो खा गए, और आपने चैलेंज किया था उस खबर को सिर्फ उसको कवर अप करने के लिए। आज पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है, मुझे मेरा ख्याल है बात कर लेने दें जी, हाँ मुझे बात करने दें जी, क्यों चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? इसके बाद मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को बहादुरी का निशान हैदर मिलना चाहिए तो वो ये शख्स है, आजम सवाती। आजम सवाती है वो जिसने पाकिस्तान की तारीख को तब्दील करके रख दिया और उसने सबको फेस किया है। रोजाना भाजपा का जिक्र करते हैं, रोजाना उन जर्नैलों का जिक्र करते हैं कि जो इस जराइम के अंदर शामिल है, वीडियो क्लिप के जराइम के अंदर। हम भूल जाते आपने जो बरैना किया उन्हें, आपने शर्मनाक हरकतें की उनके साथ, लेकिन जो क्लिप है सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। और हम तो जान हथेली पर रख के फिर रहे हैं, जान हथेली पर रख के फिर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अदारे कायद आजम मोहम्मद अली जना ने बर्रे सगीर के अंदर एक लाजवाल जिद्दोजहद की, पाकिस्तान बना, अवाम का पाकिस्तान बना, और ये अदारे उसके बाद बने, अवाम की खिदमत करने के लिए बने, अवाम इनकी खिदमत के लिए नहीं है। इसलिए ये अदारे अपना अपना एहतसाब करें, फौज अपना एहतसाब करे, पार्लियामेंट अपना एहतसाब करे, जज अपना एहतसाब करे। अगर आप इतने मुकद्दस गाय हैं तो आप अपने अपने निज़ाम के अंदर रह के एहतसाब करें। इसलिए हम कभी नहीं भूलेंगे जब तक आजम सवाती जिंदा है और जब तक कम अज़ कम मैं ज़िंदा हूँ, इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। आपने चादर और चार दीवारी को पामाल किया, आपने इज्जतों और असमतों के फानूस जिस तरह पाकिस्तान बनने के वक्त बर्बाद हुए थे, आपने वो किरदार अदा किया जो इस जगह पे किया। और फिर मैं आपको ये कहता हूँ, अरशद शरीफ शहीद, आप सब उसके भाई हैं, आप सब उसके वारिस हैं, आप सब लोग जो मेरे मुखातिब हैं, पूरी कौम 22 करोड़ लोग उसके वाकिफ हैं और कर्जदार हैं, हम कर्जदार हैं उसकी माँ के, उसकी एहलिया के, उसके बच्चों के कर्जदार हैं। वो अपने निशानदेही करके गया है अपने कातिलों की। कोई निज़ाम के अंदर है कि जो जवाब दे कि वो निशानदेही करके गया था कातिलों की? क्या किया आपने उसके आज तक, क्या किया? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप बस कर दें, बस। ये किसी की जागीर नहीं है और ये एक फैसला कुन मरला है। याद रखिएगा, ये हम सेनेटर कोई चीज़ नहीं होता, इंसान होता है, उसका किरदार होता है, वो जिस तरह की ज़िंदगी बसर करता है वो अपनी ज़ुबान से अदा करता है, तब पता चलता है कि वो क्या होगा।
हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमारा कायद कौन है? गाजी इमरान खान। वो पूरे मुल्क के अंदर इस जद्दोजहद को कि जिसको आज़ादी की जद्दोजहद कह रहे हैं, हम इसे लेकर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया।